हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सांसद दिया यूएन मामलों के ब्यूरो ऑफ आईपीयू स्थायी समिति की सदस्य के रूप में मनोनीत, पूरे विश्व में भारत के कार्य छवि और शक्ति को मजबूत करने का प्रयास करूंगा। सांसद दिया कुमारी को संयुक्त राष्ट्र यूएन मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। आईपीयू एक प्रतिष्ठित वैश्विक संगठन है जो कि राजनीतिक बहुवर्षीय वार्ता के लिए एक स्थायी मंच है। इस अवसर पर सांसद दिया कुमारी ने कहा, मैं वास्तव में संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत होने पर सम्मानित महसूस कर रही हूं। ये ऐसे समय में हुआ है जब देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। आपातकालीन स्वास्थ्य संकटों को लेकर सांसद की प्रभावी प्रतिक्रिया, प्रभावी नीतियों को लागू करने और सार्वजनिक संस्थानों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंध करने से हमें एक बेहतर कल बनाने में मदद मिलेगी। एक सदस्य के रूप में मैं पूरे विश्व में भारत के कार्य छवि और शक्ति को मजबूत करने की आशा करती हूँ। उल्लेखनीय है कि आईपीयू 179 देशों के राष्ट्रीय सांसदों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत इसका एक सदस्य देश है। आईपीयू संसदीय कूटनीति को सुगम और दुनिया भर में शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सांसदों और सांसदों को सशक्त बनाता है। इसका उद्देश्य संजीदा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुनिया भर के सांसदों को एक साथ लाना है। इसने स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून और संसाधनों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। ये फ्रांस और यूके द्वारा 1889 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जागरूक टीवी की राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।